जैसे ही दुनिया बदलता जा रहा है, लोगों की जो स्टाइल है, लाइफस्टाइल है उनके, लोगों की इंटरेस्ट बदलता जा रहा है, उनकी डेली के डेली बेसिस पर उनके टेस्ट भी बदलता जा रहा है, लोगों की खाना बदल रहा है, गेटअप आउटफिट बदल रहा है, और दिन ब दिन लोगों की डाटा कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है। डाटा कंजप्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब हम जंगलों पे रहते थे वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट की परफॉर्मेंस नहीं हुआ करता, ना कि हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट की सोर्स हुआ करता था, ना हमारे पास एजुकेशन था, ना ही हमारे पास ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हुआ करता था, फिर भी हम वहाँ पे जीते थे। लेकिन जैसे ही दिन बदलता जा रहा है, लोगों की इंटरेस्ट और लोगों की लाइफ स्टाइल बदलता ही जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के जमाने पर हम आ चुके हैं। लोगों के पास सिर्फ जब बात करने के लिए फोन छुआ करते थे तो लोग सिर्फ बात करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे लोगों के साथ, सिर्फ बात करने के लिए। उसके साथ 2G की इंटरनेट स्पीड जब आ गई तो लोगों के पास SMS और चैटिंग के लिए एप्लीकेशंस आने लगे और सर्विसेस आने लगे, जैसे कि उस जमाने में फेसबुक हुआ करता था जो कि हम कीपैड फोन में चला करते थे। तो उसके बाद जब 3G आया तो हमें वीडियो कॉलिंग के बारे में पता चला। 3G के जमाने पे हमारे पास एंटरटेनमेंट करने के लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म मिलने लगे, ज़्यादातर वीडियोज यूट्यूब पे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब 4G जमाना आया इंडिया में, जब 4G लॉन्च हुई और जियो जब इंडिया पे पैर रखा, तब से 4G की एक बूम हो गई और सबके हाथ में एक स्मार्टफोन हो गया जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, इंटरनेट स्पीड ज़्यादा अच्छा है। तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए वो यूट्यूब के ऊपर टूट पड़े, और एजुकेशन के लिए पर्पस जो है वो वेद पुराण से लेकर आज तक अगर बात करें, वो वेद गमाना गया, वो चाटशाली वाली फॉर्मूला गई, वो एजुकेशन जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो भी गई। अब जो है हम डिजिटली लर्न कर रहे हैं, लेकिन अब एजुकेशन जो है आपके घर पे आ चुका है। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो जर्नी है, ये भी बदलता ही जा रहा है। हम बात करने वाले हैं पॉडकास्ट के बारे में। हम डिजिटली जब इम्प्रूव हो चुके हैं, हम वीडियो में सब कुछ ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है अपनी व्यस्तता के वजह से पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो रहे। तो क्या है पॉडकास्ट, क्यों हमें उसके ऊपर बात करना चाहिए, तो चलिए वीडियो में उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिपुल आदक टेक, एंड मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप जो भी नॉलेज, आप जो भी एंटरटेनमेंट की सोर्स ढूंढते हो उसकी ऑडियो फॉर्मेट में आप पा सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको चाहिए होती है आपके दो ऑर्गन्स जो कि है आँख और कान। आपको आँख और कान के बावजूद आपको एक फोकस करना चाहिए, आपको एक डिस्प्ले की जरूरत होता है जिसके बाद आप अपने वीडियो को देख सकते हो और कुछ अटेंटिव रहने के बाद ही उसे फोकस कर सकते हो। लेकिन अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्का खा खा कर जाते हो तो अब आपको पता चलता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और वहाँ पे आपको दिक्कत पता चल रहा है। वहाँ पे आपको वीडियो देखना तो दूर की बात, आप सामने बैठे हुए लोगों के मुंह तक देखना पसंद नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपको पॉडकास्ट की ज्यादा जरूरत होने वाला है। जब मैं भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या बस में जाता हूँ तो मैं भी खुद अपने ईयरफोन या हेडफोन को लगा के म्यूजिक सुन सुन कर ही जाता हूँ। तो आप भी ऐसे करते होंगे ट्रैफिक से बचने के लिए और नॉइज और क्राउड से बचने के लिए। तो म्यूजिक में क्या होता है, जो बीट्स होते हैं उसको सिर्फ आप बार बार सुनते जाते हो, लेकिन आपको वहाँ पे कई नॉलेज नहीं मिलने वाला है। जो सिंगर लोग होते हैं वो कुछ उससे गेन करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए वहाँ पे कई नॉलेज की बात नहीं होता। लेकिन पॉडकास्ट ऐसी एक चीज है जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर आप उसे ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, वैसे ही पॉडकास्ट को आप सुन सकते हो। यूट्यूब जब बूम हुआ तो वहाँ पे ज्यादा क्रिएटर्स आ गए और ज्यादा वैरायटी के वीडियो बनाने लगे, और पॉडकास्ट भी ऐसी एक प्लेटफॉर्म है। आपको कई सारे एप्लीकेशन इसके ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो कि वीडियो को रिप्लेस करता है और वीडियो के जगह पर आपको उतना ही एंटरटेनमेंट और नॉलेज प्रोवाइड करता है। एंटरटेनमेंट के लिए आप वीडियो पे ज्यादा जा सकते हो, ये एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए होता है। लेकिन अगर आप कॉमेडी भी ज्यादा सुनना पसंद करते हो तो भी आपको पॉडकास्ट के अंदर मिल जाता है। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप कहीं पे भी और कभी भी सिर्फ अपने कानों को इस्तेमाल करके सुन सकते हो और खुद को एंटरटेन कर सकते हो। तो खुद को एंटरटेन करने के साथ अगर आपको नॉलेज भी मिल रहा है तो क्यों ना हम पॉडकास्ट के बात करें। अगर आपके पास 5G सपोर्टेड हैंडसेट है और उसके साथ इंडिया में अगर आप हो तो 4G की डाटा स्पीड आपको मिल रहा है, तो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने में स्पेंड कर देते हो डाटा। तो जब आप डाटा वीडियो को देखने के लिए यूज करते हो तो आप ज़्यादा वीडियोज़
को हाई क्वालिटी, हाई रिजोल्यूशन और हाई डेफिनेशन में देखना पसंद करते हो। इसलिए ही तो जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं आपको चुना लगाते हैं, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले दिखा के 2K 4K 8K तक पहुंच चुके हैं। वीडियो की रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, तो आपको ज्यादा डाटा भी स्पेंड करना होता है। मान लो कि आप कहीं रिमोट एरिया में हो, वहाँ पे डाटा स्पीड जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन आपको वहाँ पे वीडियो चला नहीं सकते हो, क्योंकि 4G से कम वाले जो वीडियो होते हैं वो शायद बफरिंग स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे फेस क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आप 240p तक वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो YouTube के ऊपर। लेकिन पॉडकास्ट ऐसी चीज है, अगर आप कई रिमोट एरिया पे भी हो वो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। अगर आपके इंटरेस्ट कई अलग अलग टॉपिक पर है, जैसे कि आपको साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आपको पॉडकास्ट के ऊपर वो कैटेगरी मिल जाएंगे। अगर आपको वो पुराण वाली रामायण महाभारत जैसे वो एपिक स्टोरी सुनना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और करेंट अफेयर्स हो गया, न्यूज हो गया और पॉलिटिक्स, ये सारे कैटेगरीज आपको मिल जाते हैं। और उसके साथ स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, बिजनेसमैन की जो स्टोरीज होते हैं, किताब होते हैं, उनकी जो ऑडियो फॉर्मेट है वो भी आपको सुनने के लिए मिल जाता है। पॉडकास्ट में क्या होता है, अगर आपको कोई स्टोरी पसंद आ जाए तो वहाँ पे आप सुनते ही रहोगे। आप कुकिंग कर रहे हो तो सुन रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो सुन रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो वो भी सुन सकते हो, आप कहीं पे भी और किसी भी टाइम पर और किसी भी मोड पर उसे सुन सकते हो। तो फाइनल समरी जो है, पॉडकास्ट एक ऐसे चीज है जो वीडियो को रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर। आप किसी भी चीज की ऑडियो फॉर्मेट सुन रहे हो और खुद ज्ञान ले रहे हो तो उसे पॉडकास्ट कह सकते हो। पॉडकास्ट वीडियो से कम डाटा कंज्यूम करता है, तो आपके लिए एक्सेस फ्रेंडली रहेगी और आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल रहेगी। उसके साथ पॉडकास्ट जो है आप कहीं भी किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त पर, किसी भी मूड पर सुन सकते हो। उसके साथ जो मेन पार्ट है जो पॉडकास्ट के अंदर आता है कि आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर आप अपने टॉपिक चूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, नॉलेज, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिल्म, ये सारे के सारे, और उसके साथ बिजनेस स्टोरीज हो गया और सक्सेस स्टोरीज, ये सारे के सारे कैटेगरीज आपको मिल जाते हैं। तो आपको अगर कुछ भी नॉलेज मिला है इस वीडियो में, आप पॉडकास्ट में शिफ्ट हो जाए मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इन फ्यूचर्स ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आपको इस चैनल की टॉपिक अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है पॉडकास्ट को लेकर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप किसी अलग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए कि विपुल भाई हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। थोड़े रिसर्च करने के बाद टाइम लगेगा, फिर भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, जरूर बनाऊंगा वीडियो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। स्टिल देन कीप साइनिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग बिपुल आदक टेक। थैंक यू।